बिग बॉस के घर में एक सरप्राइज वाइल्ड कार्ड एंट्री हो रही है। किसकी वाइल्ड कार्ड एंट्री हो रही है और कौन है ये, मैं हीना कुमावत फिल्म विंडो पे आपको बताऊंगी। तो वाइल्ड कार्ड एंट्री के तौर पर आ रही हैं नेहा भसीन। जी हाँ, प्रतीक सहजपाल, नेहा भसीन, शमिता, राकेश, इसके अलावा तेजरन। तो एक बात तो तय है कि तेजरन के खिलाफ जो है अब दो जोड़ियां हो जाएंगी, प्रतीक नेहा की और साथ में शमिता और राकेश की। तो जहां राकेश बापट की एंट्री सुनने में आ रही है कि मंडे ही हो जाएगी, वहीं नेहा भसीन की एंट्री जो है वो दिवाली के बाद के लिए तय की गई है। तो ये दोनों जो है बहुत जल्दी घर के अंदर एंटर होंगे और तेजरन के गेम पर इसका बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि अब मुझे लगता है कि तेजरन करीब भी हो जाएंगे। और क्योंकि आपको जो है दो जोड़ियों से लड़ना है तो और यूनाइटेड होना पड़ेगा, तो इसके नेगेटिव पॉजिटिव दोनों इम्पैक्ट हो सकते हैं। जहां इन लोगों के लिए गेम डिफिकल्ट हो जाएगा, वहीं आपस में इन दोनों का बॉन्ड भी स्ट्रांग हो सकता है। तो एक बात तो तय है कि वाइल्ड कार्ड एंट्री से गेम जो है थोड़ा इंटरेस्टिंग बनता दिख रहा है, क्योंकि कनेक्शन जो है, जहां शमिता राकेश का कनेक्शन अपने आप में स्ट्रांग होगा, वहीं प्रतीक नेहा का कनेक्शन भी बहुत स्ट्रांग है। तो अब ये गेम वैसा ही हो जाएगा जैसा बिग बॉस ओटीटी में कनेक्शन का गेम था, क्योंकि लगभग सभी के कनेक्शन जो है घर के अंदर बनाए जा रहे हैं, अगर नहीं है तो फिर उनके लिए कनेक्शन भेजे जा रहे हैं। तो जो बाकी कॉन्टेस्टेंट बच जाएंगे, क्या जय के लिए माही विच को भेजा जाएगा? तो देखना होगा कि क्या ये गेम भी, यानी कि बिग बॉस 15 को भी ओटीटी की तरह कनेक्शन का गेम करेंगे, क्योंकि अब राकेश के बाद नेहा की एंट्री की खबरें आ रही हैं।